नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड विहीन लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आज से 18 मई तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसकी जानकारी डीएम राकेश कुमार मिश्र ने मीडिया को दी है। ये विशेष पखवाड़ा है जनपद अमेठी के अवशेष आयुष्मान लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का। और जनपद में कुल हमारे जो अवशेष परिवार हैं 116,152 परिवार और अवशेष लाभार्थी हमारे 662,675 लाभार्थी हैं। तो ये नया डेटा हमारे पास है और इन लोगों को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतृप्त करें। स्टार भारत चैनल का चर्चित टीवी सीरियल रही निमकी मुखिया निर्माता जमा हबीब की कॉपीराइट एक्ट उल्लंघन के चलते मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। सीरियल के निर्माता पर 2 उपन्यासों से कंटेंट चोरी का आरोप लगा है। देहरादून के लेखक रूप नारायण सोनकर का कहना है कि सीरियल की कहानी उनके उपन्यास डंक की खल छल नीति से संबंधित है। रूप नारायण सोनकर ने इस मामले में पहले देहरादून अपर जिला न्यायाधीश वाणिज्य कोर्ट में कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 62 के तहत स्टार भारत टीवी के सीरियल निमकी मुखिया के निर्माता जमा हबीब के खिलाफ सिविल बात दायर की थी, जिसके बाद इस संबंध में अपर न्यायाधीश वाणिज्य की अदालत में स्टार भारत टीवी चैनल के सीईओ जमा हबीब सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। मैंने पहले जब निमकी टीवी सीरियल स्टार भारत में प्रसारित किया जा रहा था तो मैंने उसको रुकवाने के लिए याचिका दायर की थी है कमर्शियल कोर्ट देहरादून में। क्योंकि अब टीवी सीरियल बंद हो गया है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने ये कहा कि आप चूँकि अभी बंद हो चुका है आप अपना अमेंड कीजिए संशोधित कीजिए अपना प्लेंट और आप एक तरह से मुआवजे की मांग कीजिए। जो वास्तविक नायक होते हैं उनकी लेखनी को चुरा लेते हैं और उसका जो एक किस्म से दंडी कहने सुनकर जी भुगत रहे हैं। इनके उपन्यास की इनके लेखन की चोरी कर ली गई और इन्होंने उनको रोकने के लिए प्रयास भी किया। वाणिज्य न्यायालय में इन्होंने एक दावा डाला था कि उनको रोका जाए। अलीगढ़ में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनी। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं का समझौता हो जाए और उनका घर बस जाए, इसी पर राज्य महिला आयोग का जोर रहता है, लेकिन ललितपुर में थाने में पीड़िता के साथ हुई घटना पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आई है। हालांकि बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष के समर्थन में हूं और सरकार पीड़िता को मदद पहुंचाएगी। जन सुनवाई है, महिलाओं जो पीड़ित महिलाएं उनकी सुनना, क्या परेशानी ससुराल में है, क्या पति से है, क्या वो है, महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या दोनों पक्षों को बुलाकर सुनते हैं हम किसकी गलती है क्या। हम कोशिश करते हैं कि उनका घर बस जाए, समझौता हो जाए। जब कभी पेश नहीं जाती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भी यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार का भी बुलडोजर चल रहा है, जिसमें कई कच्चे पक्के अवैध रूप से बनाए गए आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि 12 पंथर घोड़ा स्टैंड के समीप वन भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन सहित वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पौड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने घर पंचूर गांव से निकले तो अपनी माँ के हाथों खीर खाकर फिर उसके बाद आशीर्वाद लिया और हरिद्वार के लिए रवाना हुए। रामपुर में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह साबी के कब्जे से जिला प्रशासन ने करोड़ों की अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया। बता दें कि बिलासपुर में प्रशासन ने 5 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वहीं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह पर 17 मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसमें पुलिस ने मुकदमों की लिस्ट भी जारी की है। पुलिस ने उज्जवल दीदार को सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना बिलासपुर में
ये उज्ज्वल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14-1 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ ज़मीन इस माफिया से मुक्त कराई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास सलामपुर पुलिस कर रही है, जिससे जन सामान्य में एक भयमुक्त वातावरण होने का मैसेज जा सके। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके के नगर पालिका क्षेत्र में एक वीडियो मिक्सर लैब में भीषण आग लग गई। आग लगने से नगर पालिका के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना पर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से करीब 30 से 35 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग ये नगर पालिका में लगी है, महिमा कार्डघर, ये किराए की दुकान है, 32 सर्किट होने थे। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान कार्ड वगैरह जा रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह है। नगर पालिका कैंपस में स्पेशल कंपोनेंट की 22 नंबर की दुकान है, जगदीश वर्मा के नाम की, उनकी दुकान में आग लगी है। जो हमने दुकान में है फोटोग्राफी की दुकान भी है, जिसमें कैमरा वैमरा फोटोग्राफी काम है, क्रेन ड्रोन एलईडी काम है, और बाकी फ़ोटो प्रिंटिंग का काम है, वीडियो मिक्सिंग का काम है, ये सब हमारा काम है। बाकी जो हमारा तकरीबन नुकसान हुआ है, उसमें 5-6 कैमरे थे, लगभग 125 लाख रुपए के। हमारी मशीन लगी थी 12 लाख रुपए की, इन्वर्टर लगा था 2 लाख रुपए का, 10 किलोवाट का, और हमारे मिक्सर विक्सर हमने जैसे तैसे भाग भूक के, जो है 4-5 स्टाफ हमारे यहाँ रहता है, भाग भूक के जैसे तैसे हमने उसको निकाला। हरदोई की कछौनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये गांजा कन्नौज, उड़ीसा, रायबरेली से लाकर यहां बिक्री किया जाता था। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जनपद में कल दिनांक 4 मई को थाना कछौना पुलिस और सीओ भगौली के नेतृत्व में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विभव, अंकित और अनिल हैं। तीनों के पास से कुल मिला के अलग अलग जोड़े तो लगभग 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा से आने वाले ट्रकों से ये सौदा करके गांजा लेके पब्लिक में बेचते हैं। इसके बैकग्राउंड में विगत माह थाना सुरसा द्वारा पकड़े गए 60 किलो गांजा रहा है, जिसमें भी यही बताया गया था, जिस पर टीमें लगाई गई थी। इन तीनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त विभव सिंह, जो कि थाना कछौना का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 2 अभियोग हैं गैंगस्टर ये गैम्बलिंग एक्ट के, और अभियोगों की पड़ताल की जा रही है। कहाँ कहाँ गांजा सप्लाई करते थे? अभी इसके तो हमने पकड़ा है, पूछताछ कर रहे हैं। श्रावस्ती के कस्बा गिलौला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कस्बा गिलौला निवासी 21 वर्षीय नवयुवक की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर परिजनों को मिलते ही कोहराम मच गया, वहीं लोगों की भारी भीड़ नवयुवक को देखने के लिए उमड़ पड़ी। गिलौला थाना पुलिस ने पंचनामा भर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नंदगंज पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चले कि 2 अप्रैल को नंदगंज थाने क्षेत्र के कुसमही कला गांव में प्रेम शंकर बिंद उर्फ योगेंद्र द्वारा आपसी विवाद को लेकर अपनी पत्नी कंचन और माँ को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया था। इलाज के लिए ले जाते समय कंचन की रास्ते में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नंदगंज में 2/5/2022 को एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मार के घायल कर दिया गया था, जिसको हॉस्पिटल में ले गए थे। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें FIR दर्ज किया गया था और इसकी तलाश में थी। पुलिस द्वारा आज इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने जो हत्या का कारण जो अब तक के विवेचना से अभी तक जो आया है, वो ये आया है कि इसके सास के पास 1 बीघा ज़मीन थी। वो अपनी सास से वो 1 बीघा ज़मीन मांग रहा था, कि अपनी पत्नी से कह रहा था कि अपनी सास से मांगो। वो इसमें असफल रही, बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं दिला पाई, तो इसी में इसने
तेईस में आकर 2 तारीख को अब इसने अपनी पत्नी को भी मारा था और सास को भी घायल किया था। गदरपुर में बीती रात तेज आंधी के चलते आम और लीची की फसल बर्बाद हो गए हैं, जिसके चलते स्थानीय किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गदरपुर के चरणपुर में कोरंगा फार्म में करीब 10 एकड़ भूमि पर आम और लीची के फलदार पेड़ लगे हैं, जहां रात में तेज आंधी के चलते आम और लीची की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद किसान ने प्रशासन से मांग की है। क्या हुआ, ये आंधी आई बहुत तगड़ी वाली, भयंकर वाली, इससे लाखों रुपए का नुकसान हमारा हो गया और दवा दारू हम बहुत मार रहे हैं, कीड़ा भी नहीं हट रहा, चैपे का कीड़ा भी नहीं हट रहा, बीमारी बहुत है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आंधी आई है उससे काफ़ी आम गिरा है और लीची भी गिरी है, काफ़ी नुकसान हुआ। 3-4 महीने से मेहनत कर रहा है, दवा दारू टाइम से मार रहा है, फिर भी कीड़ा नहीं हट रहा, तो काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी आम गिरा। कल ऐसा तूफान आया शाम 5-6 बजे, इतना अंधेरी हुआ, बहुत तगड़ा तूफान आया, तूफान में हमारा सारे आम सब गिर गया, लीचू भी गिर गया, हम तो सिर में हाथ दे के बैठ गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, हम क्या करें, अगर सरकार कोई हमारा कोई मदद करे थोड़ा बहुत, तो हमारा जिनसे बागीचा लिया है तो उनका थोड़ा पैसा दे पाऊँ। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र के पुरानी हनुमान मंदिर परिसर में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।